So I'm wearing an off-shoulder gown, and I'm wearing a jewelry by Malabar Gold Design. Yes, I do actually feel like princess, and because Ajrat, I'm not using any extension, it's with my short hair. So yeah, I'm feeling really comfortable and happy and pretty, all that. Yeah. Yes. Well, काफी excited हूँ. मुझे awards बहुत पसंद है. क्योंकि dressing up, doing makeup, doing my hair मुझे बहुत पसंद है. लेकिन आज रात थोड़ा सा खास है मेरे लिए क्योंकि मैं red carpet को actually host कर रही हूँ. तो सुबह से हम लोग shoot किया है. You know all the we've been having a lot of fun with the stars and shooting a lot of fun stuff. Yes. Yes. Yeah. It was really funny. I had a lot of good time on set. Kyuki, Zayn, and you know the entire cast of Ishqbaz, they were really supportive. They welcomed me with open arms, and I miss everyone from the show. Well, I think Nakul is performing. I want to watch what he's doing. And the others, oh, Karishma, she's a friend. I'm looking forward to see her dancing. And everyone, I love awards. It's fun. No, not this season. Not yet. I haven't watched any of them. But yes, I've heard about the juries, and it's very similar to my season because we had also the jury part. And I just want to say that guys, have fun. Do a lot of masti, stay positive, and create a lot of drama, I guess. yeah. Thank you so much. यार बहुत excited है. Star परिवार हमेशा ही एक I think हमारे पूरे star परिवार को साथ में लाता है. और मैंने बहुत सारे star परिवार का मैं हिस्सा रही हूँ. और I think वो excitement nominate होने की होती है. Perform करने से पहले वो stomach में butterflies होती है. You know this is what you experience here. And इस बार मेरी friend Karishma perform कर रही है. And I'm really excited to see her performance. हम बहुत late हो चुके हैं. बहुत डांट खाने वाले हैं. लेकिन excitement फिर भी है. यार आई थिंक स्टार परिवार हैज़ ओनली गॉटन बेटर. हर साल एक नया, जैसे हम लोग अभी एंट्री की थी तो हमें भूतों वाले रास्तों से लाया गया. आई थिंक हर साल कुछ ना कुछ इनोवेटिव हमारी जो टीम होती है वो डिसाइड करती है. और दैट्स द एक्साइटमेंट ऑफ दिस परिवार कि हर साल कुछ नया मिलता है. एंड मैं बहुत डरी. दैट्स द न्यूनेस दिस ईयर फॉर मी. नो आई वुड लाइक टू से दैट बहुत अच्छा सेटअप हुआ है. एंड इट्स सच अ गुड एनवायरनमेंट टू बी कि सब एक साथ आके एक शो के लिए दे आर परफॉर्मिंग एंड एवरीथिंग. एंड या इट इज़ इट्स अ प्लेस फॉर ऑल द एक्टर्स टू कम्युनिटी. जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, हम लोग ये करते हैं, एक्ट करते हैं, तो एक कहीं पर एक जगह आके यू नो सबको मिलना होता है. एंड यू नो यू डू ऑल दैट. ग्रेट. आई थिंक सो. आई थिंक सो. देखो, नॉमिनेट हो या ना हो, ऐसा सब लोग बोलते हैं. हमारे दिल में हम विनर्स हैं क्योंकि हमारे शो हम बहुत प्यार से और बहुत शिद्दत से कर रहे हैं. और लोग पसंद करते हैं. आप बेस्ट सिस्टर लेना पसंद करोगे क्या? बेस्ट विलन? बेस्ट विलन मैंने विलन कभी प्ले नहीं किया. आप क्या देना चाहोगे? फर्स्ट टाइम. क्या देना चाहोगे? सिस्टर विलन? नहीं, इस बार मैं विलन. मेरे लिए मेरा पहला एवर विलन का एक्सपीरियंस है. तो एंड आई एम जस्ट प्रेइंग कि यू नो ये चीज अप्रिशिएट किए जाए. एंड विलन फॉर श्योर. Look at my son. कमोलिका. यार कमोलिका का हाइप एक कारण से है क्योंकि जब कसौटी आता था मैं छोटी थी. और मुझे याद है जब वो निक्का की ट्यून आती थी तो मैं भाग के आती थी किचन से कि क्या कर रही है वो इस बार. यू नो सो वो एक्साइटमेंट आई थिंक बरकरार है. स्पेशली जितनी आप टी आर पी हमारे पहले ही हफ्ते की आई है उससे पता चलता है कि ऑडियंस कितना वेट कर रही थी. एंड कमोलिका इज गोइंग टू रॉक. आई एम श्योर ऑफ दैट. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग व्हाट शी डज दिस टाइम विद अ हॉट बॉडी दिस टाइम. देखो जो भी प्ले करने वाली है उन्हें मैं पर्सनली शायद इतना नहीं जानती जितना एज एन आर्टिस्ट शायद थी बिग बॉस में. शायद आई थिंक सो बाय चांस. एज एन आर्टिस्ट वो बहुत बहुत ही उम्दा है. एंड शी हैज मेड अ हॉट बॉडी. आई थिंक जो आउटफिट्स आने वाले हैं उनके जितना बज उनके आउटफिट के लिए हो रहा है विच इज एक्साइटिंग. सो बहुत मजा आएगा, आप देखिएगा. और नाम हम लेंगे नहीं, हम बालाजी का शो करते हैं. वी वुड लाइक टू गो. अच्छा, रियली? वाओ, ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस. वी डिडंट नो. आई डिडंट नो.
सॉरी यार, ऑल द बेस्ट हीना, हमें नहीं पता था बट ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, अगर आप कर रही हैं तो ऑल द बेस्ट, यू विल रॉक। यार ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इफ हीना इज डूइंग इट, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बहू परफेक्ट बेटी का किरदार निभाया हुआ है, एंड ऐसा रोल निभाना मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी लड़की का आज तक किया था, और पहली बार कयामत में मुझे नेगेटिव प्ले करने का मौका लग रहा है, तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि उनके लिए क्रिएटिवली कितनी यू नो एनरिचिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, एंड शी इज़ अ फैबुलस एक्टर एंड शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस, सो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। So all the best, Hina, if you're doing it, if you're doing it, let us know. Oh, of course, I'm excited, and this is not my first time in Star Parivar Awards. I've been a part of the Parivar, and it's making me feel like I'm back again in the family. A lot of dhamaka जैसे होता है यार family में, जैसे कोई भी occasion आता है तो जैसे लोग एकदम उछल पड़ते हैं, तो हम भी ऐसे ही सारे बच्चे हैं परिवार के, तो हम भी आए हैं और मस्ती करने के लिए आए हैं, and lot of mastis happening inside. You guys should also come here, come inside. Actually, मुझे पता नहीं कि कौन कौन परफॉर्म कर रहे हैं या कर रही हैं, बट सारे ही अच्छे यार, आई मीन डांस और परफॉर्मेंस देखना किसको अच्छा नहीं लगता, सो आई एम एक्साइटेड यार। हाँ थैंक यू। लुक के बारे में, आई एम वेयरिंग रोहित वर्मा, एंड इट्स बेसिकली डिज़ाइंड फॉर my character, I mean it's designed for me but it's based on my character, I'm playing Dushyasan, so Dushyasan is like a devilish guy, so this is based off that, you know, I mean a lot of negativity is there, evilish and all that stuff. Thank you so much, thank you. मैंने जैसे कि पहले कहा मेरा एक्साइटमेंट लेवल ख़त्म होता ही नहीं है, स्पेशली स्टार परिवार को लेके, क्योंकि मेरे लिए मेरा पहला स्टार परिवार था, उतना ही महत्वपूर्ण मेरे लिए ये छठा साल है, क्योंकि यहीं से मेरी शुरुआत हुई थी, मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला अवार्ड स्टार परिवार में अटेंड किया था, सो इट्स लाइक अ स्पेशल बॉन्ड। सॉरी यार, हम ना एक दूसरे को पर्सनल बहुत सारी परफॉर्मेंसेस देते रहते हैं, तो एक्साइटमेंट पता नहीं, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड, इट्स अ प्लेजर टू वॉच एनी वन बिकॉज दे ऑल आर अ फैंटास्टिक परफॉर्मर, बट डेफिनेटली करण एंड दिव्यांका ऑफकोर्स है, एंड आई एम श्योर बहुत सारी कैटेगरी में होगा, अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ नहीं थी और मुझे ये सब चीज़ें लास्ट मिनट पर पता चली, सो आई डोंट नो हु ऑल आर नॉमिनेटेड, बट आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज। ओके, मेरा ये लुक मुझे स्टाइल किया है सृष्टि एंड शैलजा ने, एंड दिस ब्यूटिफुल ड्रेस इज फ्रॉम कल्की फैशन, आई थिंक दे डू अ लॉट ऑफ गुड कॉस्ट्यूम थिंग्स फॉर अ पर्सनैलिटी लाइक मी, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड द ज्वेलरी इज फ्रॉम द ज्वेल गैलरी, सो आई थिंक दे हैव स्टाइल्ड मी प्रीटी वेल। सॉरी वापस, ओ अच्छा वापस पूछो, मैं आई वॉज इन हियर। ऑफकोर्स नीलू की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, जैसे कि भल्ला फैमिली में एक एक किरदार महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से नीलू की भी इम्पोर्टेंस उतनी है, एंड आई थिंक नीलू को हम हमेशा मिस करेंगे, सिर्फ शो के दौरान नहीं अदरवाइज ऑल्सो, बिकॉज शी वॉज अ वंडरफुल ह्यूमन बींग, और बस यही प्रार्थना है कि वो जहाँ भी हैं खुश रहें। थैंक यू, थैंक यू, प्लीज़ बोलो थोड़ा सा। हाँ, न्यू कोमोलिका आने वाली है तो टक्कर दूंगी उनको मैं भी, मतलब हम किसी कोमोलिका से कम नहीं है, तो आई थिंक अच्छा तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है। बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप अगर नोटिस कर रहे हो तो मेरे जो स्ट्रेट बाल है वो कर्ल हो चुके हैं एक्साइटमेंट में, बट नो दिस इज़ द लुक एक्चुअली विच इज़ पर्टिकुलरली डिज़ाइंड फॉर स्टार परिवार अवार्ड्स 2018, और हाँ मेरा पहला अवार्ड्स है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ साथ हल्की हल्की नर्वसनेस भी है मुझ में, बट दिख रही है क्या चेहरे पर मेरे नर्वसनेस? ओके देन आई एम डूइंग इट वेल। जी आई एम डूइंग दी ओपनिंग एक्ट, ओपनिंग एक्ट बहुत ही धमाकेदार होना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप जब भी कोई भी शो शुरू करते हो तो एक एनर्जी होती है जिसको आपको बिल्ड करनी होती है इन द स्टार्ट ऑफ द शो, अगर वो एनर्जी एक बार बिल्ड हो गई देन शो विल टेक ऑफ,
तो विल बी ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम अच्छे से अच्छी एनर्जी दे एंड वी गिव इट अ बैंग एंड स्टार स्टार परिवार अवार्ड्स. मैं नॉमिनेटेड हूँ 3 कैटेगरीज में. एक है नया सदस्य मेल, दूसरा है फेवरेट बेटा और तीसरा है फेवरेट जोड़ी. तो नया सदस्य बनके कैसा लग रहा है, थोड़ा सा इट्स वेरी वार्म वेलकमिंग. स्टार परिवार में जो भी सदस्य आते हैं उनको बड़ा ही वार्म वेलकम मिलता है और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इस परिवार में इतने अच्छे से एक्सेप्ट किया गया है. हम सब जानते हैं, हम सब काफ़ी देर से उत्सुक है कि कौन होगी कमौलिका. सो मैं खुद अभी अंदर जा रहा हूँ और मैं खुद इतना उत्सुक हूँ कि मैं अंदर जाके देखूँ कि आखिर कमौलिका है कौन. जो पूरा लुक है वो इंडो वेस्टर्न डिज़ाइन किया गया है. हमारी प्यारी अनु खुराना भाभी है जिन्होंने ये लुक किया है. आप देख रहे हैं जैसे कि ये शेरवानी है जो काफ़ी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ शेरवानी है और अंदर जो शर्ट है वो कॉलरलेस है कि आप पे कॉलर्स दिए नहीं गए. मेरी पैंट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बहुत ही राज कपूर स्टाइल पैंट है अगर आप कहीं से देख सके तो इसे. सो या इट्स वेरी, मेरा जूता है जापानी, ये सिर्फ सर पे लाल टोपी रूसी नहीं है क्योंकि बाल थोड़े रूसी बना दिए हमने. सो या दैट्स अबाउट इट. शो आ रहा है, जल्दी शो लॉन्च हो रहा है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज अर्जुन एक अलग से कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ एंड ऑलरेडी लोगों के मन में अर्जुन की एक छवि बसी हुई है. लाइक सालों से आई थिंक आपके मॉम डैड नाना नानी सबके दिमाग में अर्जुन की छवि बसी है. तो एक काइंड ऑफ प्रेशर भी होता है जब एक्सपेक्टेशंस होते लोगों की, बट आई थिंक हम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, आई थिंक आपको पसंद आएगा. स्टार परिवार को लेकर सबसे पहली याद मेरी है जब स्टार परिवार का पहला साल था और मुझे सबसे फेवरेट छोटा बच्चा का अवार्ड मिला था फॉर शाकाला का बूम. तो मेरी सबसे सुनहरी याद स्टार परिवार को लेकर यही है. मैं अभी तो जानता नहीं कौन कौन परफॉर्म करने वाला है बट मैं हर परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज जो एनर्जी होती है अवार्ड्स में जब लोग परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है और मन कहता है कि हम भी स्टेज पर जाके परफॉर्म करें. मेरे आउटफिट के बारे में मेरी स्टाइलिस्ट है सृष्टि एंड शी हैज़ स्टाइल्ड मी अप बिकॉज आपको पता है हम रोज़ शूट में इतना बिजी रहते हैं कि हम खुद इतनी मेहनत नहीं कर पाते, तो हमारे अच्छे अच्छे स्टाइलिस्ट होते हैं जो हमारी ये मेहनत करते हैं. सो सृष्टि हैज़ स्टाइल्ड मी.